नहीं ना, कुकिंग वाला गाना नहीं। गाओ ना, तुम गा रहे थे, गाओ। नहीं यार, तुम अपलोड कर दोगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि नारायण और कागान के बीच में जो ग्लेशियर पॉइंट है, जहाँ पे अपना लैंड स्लाइडिंग वगैरह भी होती है, वो जगह दिखती कैसी है। वैसे तो अगर मैं अपनी आंखों से देखूँ तो बहुत खूबसूरत है। कैमरे की आंख आपको दिखा पाए ना पाए, पर बने रहिए और सतर्क रहिए और हमारे साथ रहिए। क्राइम पेट्रोल में देखिए। अभी टाइम हो रहा है 2:15 और अभी हम जा रहे हैं और सैफुल मलूक और नारायण के होटल में भी, और हमारा यहाँ पे नाइट स्टे है। हम चेंज कर रहे हैं थर्मल वगैरह पहने, क्योंकि अभी है 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात को ये हो जाएगा 6 या 8। तो हम जैकेट वगैरह पहन रहे हैं और सारे कपड़े गीले हो चुके हैं। इस्लामाबाद और पिंडी में, इस्लामाबाद में खास करके, इस्लामाबाद से लेके जब हम कागान आ रहे थे तब बहुत तेज़ बारिश हुई थी और ख़ास करके वाटरफॉल की तरफ भी, तो सब कपड़े गीले हो चुके हैं। जो बचा है वो यही बचा है और एक जैकेट है। इसके अलावा सारे के सारे कपड़े गीले हैं, तो वो भी सुखाएंगे और उसके बाद हम जा रहे हैं तकरीबन 10 मिनट में निकल लें। तो मिलते हैं रास्ते में होटल के बाहर। अगर आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है कुछ दुकानें और कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो ये है नारायण और नारायण के कुछ लोकल दुकानें जो होती हैं वो हैं। और मैं भी अपने होटल के जो कुछ भी कह सकते क्वालिटी टाइम का जो एक एरिया होता है वो है, मैं इसमें बैठा हूँ, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं सैफुल मलूक और हुंजा, हम दो जगह भी कवर करेंगे आज। जब हम हुंजमा से आ जाएंगे तो ये ब्लॉग एंड हो जाएगा और हम सिटी टूर करेंगे। सिटी टूर तो नहीं कह सकते हैं, एक छोटा टूर करेंगे नारायण का, कि नारायण का क्या सीन है और नारायण का किस तरह नाइट लाइफ नारायण की क्या है। तो शाम के बाद जब आ जाएंगे खाना ना खा के, फिर हम नारायण विज़िट करेंगे और ये जितने भी लोकल जीप्स वगैरह हैं और ये जितने भी एरिया है, जितने भी लोकल शॉप्स वगैरह, उन सब पर विज़िट करेंगे। और तब तक के लिए हम अभी जा रहे हैं झील सैफुल मलूक। कल भी शायद हम उंजा जाएंगे, कल उंजा मार्केट भी हम जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सैफुल मलूक। और तो चलो खुद ही निकल जाएंगे। कहानी में ट्विस्ट ये है कि हम लोग जीप में जा रहे हैं, तो जीप हमारे साथ खड़ी और अभी हम जीप में बैठने जा रहे हैं। भाई बताओ, जाना है सैफुल मलूक? जा रहे हैं सैफुल मलूक, जा रहे हैं, फुली रेडी हैं, सब वार्म अप हुए हैं। अब देखें वहाँ जाके कौन पहले छलांग मारता है। लेकिन में छलांग वलांग का काम नहीं है। झील सैफुल मलूक के मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। अब मैं झील सैफुल मलूक देख सकता हूँ, पर आप लोग अभी नहीं देख सकते। कहने का मकसद या बताने का मकसद ये है कि जिस तरह मैं वहाँ से यहाँ आया ना, तो रास्ता बहुत मुश्किल था और मेरी पूरी हड्डियाँ सब दर्द हो गई थी। कहने का मकसद ये, अब पता चला कि जगह है ना कितनी खूबसूरत है। और मैं आपको जगह दिखाता हूँ। भाई कैमरा मेरे साथ मुड़ना चाहिए। 1, 2 और 3। ये देखें, ये मेरे पीछे है झील, मेरे पीछे झील सैफुल मलूक ये है। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, बिल्कुल बॉम जगह। मुझे ठंड लग रही है, पहले मैं जैकेट पहनूंगा और फिर हम जाएंगे। बस चलते हैं यार। दानियल भाई तुम कहाँ थे? इधर आ जाओ यार। दानियल बर्फबारी का क्या सीन है? वो वहाँ पे मुझे दिख रहा है, वहाँ बर्फबारी का पहाड़ का पर्वत है, मलका पर्वत है। पुरानी बर्फ थी, अब वो मेल्ट हो चुकी है। अब वो मेल्ट हो रही है, मतलब वो पूरा बादल टच कर रही है। तो वहाँ का सीन है, मैं ऑन है मेरे दोस्त यार। वहाँ एक अगर मेरे ऊपर नजर आ रहा हो, पे वहाँ से जरा देखना उसमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं मुझे दे दो, मैं हाँ तुम दे दो। तो ये जो ऊपर जो नज़र आ रहे हैं जो बादलों के पास, वो मलका पर्वत है। ये झील सैफुल मलूक है, सही ना? उसके सीन्स बिल्कुल कराची वाले को यार, तुम नॉर्दर्न लेकर आए हो और तुम ये सब दिखाओगे तो वो तो पागल ही हो जाएगा ना। क्या करना चाह रहे हो लड़के? चलो आयो। नीचे चलना है, नीचे 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 चलना है, नीचे चलना है। अच्छा नीचे अभी हम सैफुल मलूक के नीचे जा रहे हैं, मतलब सैफुल मलूक के नीचे नहीं जा रहे हैं, हम नीचे उतर रहे हैं। तो पता नहीं नीचे, पता नहीं कब उतरेंगे नीचे, कब से उतर ही रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ, उतर रहा हूँ, उतर रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ। सब पूरा सब पहुँच गए हमने यहाँ फोटो से चक्कर में, मैं और दानियल ऊपर रह गए और नीचे नहीं उतर पा रहे, पता नहीं कब नीचे उतरेंगे। और अगर ये अम्मी ये मेरा व्लॉग देख रही हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो अभी हम बोर्ड की तरफ, हम बोर्ड में जाएंगे हाफ झील तक,
फुल झील तक नहीं जाएंगे कि वहाँ पे कुछ देखने लायक ऐसा है नहीं. सेम ऐसे डे जो यहाँ पर है तो हाफ झील तक जाएंगे किसी शॉट्स वगैरह के लिए और फोटोज वगैरह के लिए और ऐसे ही मतलब जाएंगे और घूम के वापसी आएंगे. तो मैं आपको वहाँ का ये मंजर दिखाता हूँ. पहले मैं ये दिखाता हूँ कि झील से हम लोग 360 से है कैसा. बोट में बैठे हैं ये भाई हमारे बोट चला रहे हैं सही है. और मेरे साथ साथ है पूरा मेरा ग्रुप है सारा. हाय तो करो. हेलो. और अभी हम इस साइड से उस साइड जा रहे हैं. फुल जाएंगे हम हाफ का सोचा था अभी हाफ नहीं हम फुल जाएंगे. उस पॉइंट पे वो जो पॉइंट है ना जो नजर आ रहा है वो पॉइंट है वहाँ पे अभी बर्फ है और वो ग्लेशियर पिघल रहा है वहाँ से. तो दो फेवरेट स्पॉट अभी तक बने हैं. एक जो वो नहीं जहाँ पे बर्फ गिर रही है एक वो है और एक पीछे जो नहीं जहाँ पे अभी सूरज आया एक वो झील सेफी मतलब कि यही मुझे अभी तक तो दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी. ये जहाँ पे बर्फ यार ये क्या मैं बार बार पूछ रहा था इसका नाम क्या था. मलका पर्वत यार ये बड़ा नाम हार्ड नाम है. तो झील सैफुल मलूक का जो हमारा ट्रिप था वो अभी यहाँ पे एंड हो रहा है. हम वापसी हमने नारांग की तरफ जा रहे हैं. पहले हम ऊपर चढ़े हैं और जीप्स में बैठेंगे जिस तरह जीप्स में आए उसी तरह जीप्स में बैठ के वापसी जाएंगे. सांस पकड़ रही है. तो जितना मुश्किल रास्ता था उतना खूबसूरत ये एरिया है. और थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़. सब थक चुके हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते सबके सब बैठ गए. मैं दिखा दो सबके सब बैठे हैं सब थक चुके हैं पर ऊपर चढ़ना है.